आखिर क्यों शाहरुख खान को पत्रकार को धमकी देने के आरोप में जेल जाना पड़ा था, और कौन सी है वो फिल्म जिसे शाहरुख खान ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर दिया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों शाहरुख खान अपनी सभी गाड़ी का नंबर 555 रखते हैं। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान का असली नाम शाहरुख नहीं था। 2 नवम्बर 1965 को शाहरुख का जन्म दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। एसआरके के पिता मीर ताज 1948 में भारत के विभाजन के बाद दिल्ली चले आए थे। 1959 में लतीफ फातिमा से शादी कर ली थी। 1965 में एसआरके के जन्म के बाद उनकी नानी ने उनका नाम अब्दुल राशिद खान रखा था। शाहरुख ने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में अपनी नाना नानी के साथ बिताए। हालांकि जब वो दिल्ली में अपने माता पिता के पास वापस लौटे तो उन्होंने अपना नाम बदलकर शाहरुख खान रख लिया। फैक्ट नंबर 2, टेलीविजन से अपनी करियर की शुरुआत की। शाहरुख खान को ज्यादातर 1992 की फिल्म दीवाना में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें अपना पहला ब्रेक टीवी शो के जरिए मिला था। उन्होंने अभिनय में अपने करियर की शुरुआत शो फौजी से की थी, जो दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक बन गया था। उनके चरित्र अभिमन्यु राय ने तुरंत लोकप्रियता हासिल कर ली और शो की मेगा सफलता के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। बाद में शाहरुख खान को टेलीविजन शो दिल दरिया, वागले की दुनिया और उम्मीद में भी देखा गया। फैक्ट नंबर 3, बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर ली थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। अभी भी ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में चलती है। हालांकि शाहरुख ने इस फिल्म को साइन करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लिया था, बिना सोच विचार के उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। वास्तव में फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा के लिए उनका इतना प्यार था कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म साइन कर दी। फैक्ट नंबर 4, 555 नंबर के साथ शाहरुख खान का लगाव। वैसे ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि शाहरुख खान एक विश्वासी व्यक्ति है और उनका मानना है कि सही संख्या उनके लिए सौभाग्य ला सकती है, इसलिए उनकी कार की ज्यादातर नंबर प्लेट पर उनका नंबर 555 है, 555 है। यही नहीं, उनके कुछ स्टाफ के मोबाइल नंबर भी 555 पर ही खत्म होते हैं। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान ने सलमान खान को दिया था अपना अवार्ड। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रहती है, चाहे वो सबसे अच्छे दोस्त हो या उनके बीच फूट पड़ी हो या फिर सालों बाद एक दूसरे के साथ सुलह हो, इन सब से कोई भी अनजान नहीं है। हालांकि जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि 1998 में एसआरके ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड जीता था और सबको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान को मंच पर बुलाया और उन्हें ये अवार्ड सौंपते हुए थैंक यू स्पीच देने के लिए कहा था। फैक्ट नंबर 6, पत्रकार को धमकी देने के आरोप में जा चुकी है जेल। तहलका के थिंक 2012 कार्यक्रम में एक बातचीत के दौरान शाहरुख खान ने एक बार एक पत्रकार को तलवार से घोपने की बात कही थी, क्योंकि उन्होंने एक सह कलाकार के साथ उनके अफेयर के बारे में अफवाहें प्रकाशित की थी। ये घटना शाहरुख और गौरी खान की शादी के 2 साल बाद हुई थी। तब शाहरुख ने कहा था, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे जेल हो गई, मेरे ससुर ने मुझे तलवार दी थी जैसे वो पंजाबी शादियों में करते हैं। मैं उस तलवार को उस पत्रकार के घर ले गया। मेरे ससुर जो एक सेना अधिकारी है, उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी है। मुझे लगा कि ये एक अच्छा हथियार है जिसे भारतीय सेना ने मंजूरी दी है। जब शाहरुख खान को जेल से एक कॉल करने का मौका दिया गया तो उन्होंने उसी व्यक्ति को फोन किया था, और शाहरुख के जेल से बाहर होने के बाद उन्हें उनकी हरकतों से सावधान रहने की धमकी भी दी थी। उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, साले अब तो जेल भी चला गया हूँ, अब तो निकल के आऊंगा, तेरे को काट के जाऊंगा। फैक्ट नंबर 7, पत्नी गौरी खान से की है 3 बार शादी। कई सारी लड़कियां शाहरुख खान की फैन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे अभिनेता है बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। बल्कि ये अपनी पत्नी गौरी खान के प्रति बहुत वफादार है और इनका प्यार देख कर ही हर कोई इनके जैसा पति चाहता है। जब वो दिल्ली में रह रहे थे तभी उन्हें गौरी से प्यार हो गया। जब उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी करने का फैसला किया तो पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज में खुद को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कोर्ट मैरिज के बाद उन्होंने निकाह किया। 26 अगस्त 1991 को एक मुस्लिम पारंपरिक शादी के रूप में हुआ था। इसके बाद
25th of October 1991 को इस जोड़े ने हिंदू पारंपरिक शादी शैली में फिर से शादी करने का फैसला लिया। चूंकि एसआरके एक मुस्लिम है और गौरी एक हिंदू, इसलिए इस जोड़े ने दोनों धार्मिक परंपराओं को अपनाकर एक दूसरे से शादी की। फैक्ट नंबर 8, शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम में जाने से रोका गया। 16 मई 2012 को आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस और शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच चल रहा था। हालांकि उस मैच के बाद उनका वानखेड़े स्टेडियम के एक सुरक्षा गार्ड से झगड़ा हो गया। स्थिति को संभालने के लिए एमसीए अधिकारियों ने सुरक्षा गार्ड के साथ बदसलूकी और गाली गलौज के आरोप में अगले 5 साल के लिए उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। शाहरुख खान को अपनी हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, इसलिए प्रबंध समिति को 5 साल के लिए ये प्रतिबंध लगाना पड़ा था।